अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाज किचन। आज शाज किचन में हमने बनाया है मज़ेदार सा सॉफ्ट यम्मी फ्रूट चैलो। उम्मीद है आप लोग को रेसिपी पसंद आएगी। इसके लिए जो हमने चीज़ें ली हम आपको बताते हैं। हमने ब्लैक ग्रेप्स लिए हैं, ग्रीन ग्रेप्स लिए हैं। इस मौसम में इतने अच्छे फ्रूट आते नहीं हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। ये हमने थोड़ी सी कीवी ली है, चेरी भी इस मौसम में नहीं थी तो हमने 3 पैक चेरी ली है। हाफ पैकेट हमने स्ट्रॉबेरी जेली का लिया है। ये है हमारे पास लीची सिरप। आप लीची सिरप के अलावा भी जो आपको टेस्ट अच्छा लगता हो आप यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारे पास कोकोनट मिल्क, मार्केट में मिल जाता है ईजली। अच्छा, इस रेसिपी का सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पे अगर पाउडर, जिसको चाइना ग्रास पाउडर भी कहते हैं, ये भी मार्केट में मिल जाता है। सिलिकॉन मोल्ड लिया है हमने ताकि ये आराम से जलो हमारा खूबसूरती के साथ निकल आए। चलें अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। लीची सिरप के अंदर हम तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के चाइना ग्रास पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक पैन लेंगे और इस लिक्विड को अब हम इसके अंदर डाल के थोड़ी देर पका लेंगे ताकि चाइना ग्रास पाउडर अच्छे से लीची सिरप में मिक्स हो जाए। अच्छा, मोल्ड के अंदर फ्रूट को रख लेंगे। फ्रूट आप अपनी मर्जी के हिसाब से, आपको जो भी पसंद है, आप जिस कलर के भी आप चाहते हैं आपका जेलो बने, आप उस तरह से फ्रूट ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया है रेड कलर की चेरी है, फिर ग्रीन ग्रेप है और ब्लैक ग्रेप है, बनाना है हमारे पास, ठीक है, कलरफुल जेलो, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी तरीके से हम सारे फ्रूट्स को मोल्ड के अंदर सेट कर लेंगे। फ्रूट सेट हो गया, हमारा लीची सिरप भी तैयार हो गया। लीची सिरप को थोड़ी देर हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको मोल्ड में डाल देंगे। और इसको हम, अगर आप चाहें तो रूम टेम्परेचर पे भी इसको आप जमने के लिए छोड़ सकते हैं, वरना अगर जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में रख दें। ये तकरीबन 15 मिनट में आराम से जम जाएगा, जाली बन जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये जाली सी बन गई है। सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम कोकोनट मिल्क को जेलो बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हम ये चाइना ग्रास पाउडर डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाइना ग्रास पाउडर बेसिकली जो है वो जेलो बनाने के लिए यूज़ होता है। किसी भी चीज़ को आप जेली फॉर्म में अगर आप लाना चाहते हैं, या तो आप जेलेटिन यूज़ करें या फिर चाइना ग्रास पाउडर यूज़ करें। देखिए, कोकोनट मिल्क जो है वो पहले ही थिक था और इसके अंदर जब हमने ये चाइना ग्रास पाउडर डाल के इसको पकाया तो मज़ीद थिक हो गया। अच्छा, अब हम फिर फ्रूट की एक लेयर लगाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप लेयर अगर ना करना चाहें आप ना करें, आप सिंपल, आप इस जेल को सिंपल भी बना सकते हैं। अगर आपको फ्रूट नहीं डालने तो आप सिंपल भी बना सकते हैं।
कोकोनट मिल्क का मिक्सचर हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, आप अगर चाहें तो कोकोनट मिल्क स्किप कर दें, आप नॉर्मल मिल्क ले लें, कोई सा भी मिल्क पैक ले लें, या जो भी आपके घर में मिल्क यूज़ होता है आप वो ले सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड स्टेप है, इसके अंदर हम जेली तैयार करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है 200 ml वाटर है। ठीक है, सबसे पहले पानी बॉयल करेंगे। जेली बनाना तो सबको ही आता है। जब पानी बॉयल हो जाएगा तो इसके अंदर हम जेली पाउडर डाल देंगे। जब तक में कोकोनट मिल्क भी अब जम गया होगा। ठीक है, इसकी जेली है जी, ये देखिए इसकी जेली भी बन गई है। अब हम फिर से फ्रूट की लेयर लगाएंगे। और जो जेली है अब हम इसको मोल्ड के अंदर डाल देंगे। ये देखते हैं, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने रखेंगे। हमारी जेली तैयार हो गई। रेसिपी पसंद आए तो शास किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। देखते हैं कितनी प्यारी जेली तैयार है, देखने में बहुत ही कलरफुल लग रही है। चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।